नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से है। अनुमानित कीमत 6 लाख के अवैध गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को मिर्जापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। दिनांक 6 जून 2024 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अहरौरा क्षेत्र के अंतर्गत चुनार चौराहा यात्री प्रतीक्षालय ग्राम अहरौरा डीह से दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू पुत्र ओम प्रकाश निवासी नगलान थाना नोनेर जनपद मैनपुरी, दूसरा विपुल रजक पुत्र रघुवर दयाल निवासी पकरी थाना पकरी जनपद आरा भोजपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पिट्ठू बैग में रखे हुए 22 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अहरौरा थाना में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों अंतर्राज्यीय सातर गांजा तस्करों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोगों द्वारा पिट्ठू बैग में छिपाकर सोनभद्र से अवैध गांजा लेकर आ रहे थे, जिसे मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा दिल्ली ले जाना था, किंतु हम लोग पकड़े गए। आइए सुनते हैं कि इस घटना के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओम प्रकाश सिंह अपना क्या वक्तव्य दे रहे हैं। ये नशे के व्यापारियों के विरुद्ध लगातार मिर्जापुर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में अहरौरा पुलिस द्वारा दो गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 22 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये दो तस्कर हैं जितन उर्फ जीतू निवासी मैनपुरी और विपुल रजक निवासी भोजपुर बिहार। ये वोल्वो बस में गांजा लेकर जा रहे थे। इस सूचना पर इनको जो है चुनार चौराहे पर अहरौरा पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 22 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख है। इनको विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अच्छी रिकवरी के लिए एसपी मिर्जापुर द्वारा 20,000 का इनाम दिया गया है एसओजी टीम को।